जो जरा सा। वाइकिंग होते हैं वो बिल्कुल नहीं थे, जीरो थे। उसमें उसके नाक से दुर्गंध या जो शराब का गंध होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा था, और वो आने के 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर वो डेथ भी कर रहा, गैस्पिंग स्टेज में आया था। तो अब है कि किस कारण से मरा, तो ये शायद क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिंस हो सकता है। टॉक्सिंस मतलब कोई अब कुछ काट ही लिया, झिंगुरी काट लिया, बिच्छू काट लिया, या कुछ क्रिएचर ऐसा काट लिया, या फिर खाने ही में कुछ ऐसा टॉक्सिंस हो जो कि हार्ट को जो है। शराब टॉक्सिन नहीं, टॉक्सिन जो है बायोलॉजिकल टॉक्सिन जो है शराब नहीं, शराब देसी शराब उसको विषैला पदार्थ नहीं, विषैला पदार्थ शराब तो विषैला तो उसके लिए है कि बहुत ज्यादा पिएगा था। ये पोस्टमार्टम की नौबत क्यों आ गई है सर? कोई भी डेथ में जरा सा भी अगर डाउट होता है तो डाउट को क्लियर करते हैं, वो छुपाना थोड़ी है मौत। शराब तो एक फैक्टर है ही है, मान लिया आज के डेट में है शराब बंदी है तो वो भी चिंतित होंगे भाई क्या मामला है, कहीं शराब का तो कुछ मामला नहीं है। तो शराब का तो मामला बिल्कुल ही दूर दूर तक नहीं है जो हम लोगों के हिसाब से। और अब है कि क्या है, क्या है तो वो पुलिस अपने हिसाब से वो प्रशासन इन्वेस्टिगेट करेगी कि मामला क्या है। सर तो यहाँ पर मंथन चला है आप लोगों के बीच, क्या लगता है? नहीं नहीं मंथन कुछ नहीं चला है, काफी देर से हम तो एक डेढ़ दो घंटा कर दिए, हम तो मजीद से मिल गए 5 मिनट के अंदर बीस कर दिए। उसके पहले हम भी देख रहे थे कि भाई क्या है, डॉक्टर ने क्या लिखा है, डॉक्टर ने पूछ रहे थे कोई मंथन इस पर नहीं हुआ। छोटू का क्या? छोटू जो है ऐसे ठीक है, मतलब डॉक्टरी के लिहाज से उसमें कोई सीरियस बीमारी नहीं है। क्यों एडमिट किया गया? वो भर्ती हुआ कि हमारा सांस फूलता है। अब जब कोई बोल रहा है कि मेरा सांस फूलता है तो आप उसको निराश ही नहीं कर सकते, मेरा सांस क्यों फूल रहा है, मान लिया हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, वहाँ जाके हार्ट फेल हो जाए। उनकी बहन का कहना है हार्ट में भी कोई फाइंडिंग नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी ठीक है, सांस की पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। उनकी बहन का कहना है सर क्योंकि शराब के सेवन के बाद बहनोई के साथ उसने शराब पिया था, इसके बाद उसको यहाँ लाया गया। अब ये तो उसकी बहन बता सकती है, यहाँ तो ब्रेथ एनालाइजर में भी जो है शराब की पुष्टि नहीं हुई। अच्छा, दोनों के प्रॉब्लम में सिमिलैरिटीज कुछ है क्या सर? शराब सिमिलैरिटीज कुछ है, टॉक्सिन की पुष्टि करते हैं सर? किसका टॉक्सिन का? वो छोटू का नहीं, छोटू का तो लगता है, अविनाश का तो टॉक्सिन का हो सकता है। सस्पेक्टेड पॉइजन जो है जो बताया जा रहा है, सस्पेक्टेड पॉइजन का मतलब है कि अगर हम कुछ दुकान में सिंघाड़ा खा लिए उसमें कुछ इस तरह का पदार्थ है जो हमारे लिए बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, और हम जो है एलर्जिक रिएक्शन हो गया, हम शॉक में चले गए, और अगर हम देर में अस्पताल लेके आए रात में, अगर हम शॉक में चले गए तो रात भर में तो खत्म ही हो जाएगा ना। सर शराब जाँच कितने बजे कराया गया था? वो तो आने के साथ ही,